आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शानदार ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली काम आएगा। ये जो ऐप है आपके ढेर सारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। ये ऐप है लियो। इस ऐप में आप इजीली कोई भी तरीके का डेटा आप इजीली सेव कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, एडवोकेट हो या आप बिजनेसमैन हो, आपको ये ऐप आपके पास होना ही चाहिए। ये बहुत ही शानदार और जानदार ऐप है। जैसे आपके घर में शादी है, किसको लिस्ट भेजना है, किसको भेजा है, किसको नहीं भेजा है, वो आप इस ऐप में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप फूड आइटम की लिस्ट बना सकते हैं, खर्चों की लिस्ट बना सकते हैं। तो ये जो ऐप है आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार ऐप है। आप इस ऐप में चुटकियों में ये सब काम कर सकते हैं। ये जो लियो ऐप है ये बिल्कुल सेफ है और सिक्योर है, और ये जो है 101% फ्री है। इस ऐप के अलावा आपको इससे अच्छा फीचर आपको कोई भी ऐप में नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको ढेर सारा फीचर दिया गया है, इसमें ढेर सारा टेम्पलेट्स दिया गया है जिसको आप बहुत ही इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं। सो इस ऐप में आपको ढेर सारा डेटा आपको बहुत ही इजीली तरीके से सेव हो जाता है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप इस बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप बेल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं आपको इस वीडियो में लियो एप्लीकेशन यूज करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैसे लियो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में करते हैं तो आपको कंप्यूटर को बार बार इसको ऑफ ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑन होने में भी आपको 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट का टाइम ले लेता है, और आपको जो है हाथ में मोबाइल रहता है। तो आप जो है इस ऐप की हेल्प से चुटकियों में आप ढेर सारा काम कर सकते हैं। आपको बार बार जो है एक्सेल लैपटॉप में खोल के ओपन करके आपको उसमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इसमें एक ऐसा फीचर भी मिल जाता है जो आप डायरेक्ट मोबाइल में, अगर आपका लैपटॉप में कोई आप डेटा जो है एक्सेल में यूज़ करते हैं तो उसको जो है आप अपने मोबाइल में इंपोर्ट करके आप वही डेटा को आप जो है मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब देखने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से लियो एप्लीकेशन है जो ऐप है आप उसको कैसे यूज करेंगे। आपको लियो ऐप यूज करने का मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लियो एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से लियो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं इसको जो है इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ओपन कीजिएगा। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 10 तरीके का लैंग्वेज मिल जाएगा, तो आप जो भी लैंग्वेज में यहाँ पर आप समझते हैं वो लैंग्वेज आपको चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर जो है इंग्लिश चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश चूज करते ही यहाँ पर देखिए कि आपको बोल रहा है कि 100% सेफ एंड सिक्योर ये ऐप है, और यहाँ पर देखिए 100% ऑटो डाटा बैकअप है। तो ये जो है आपको आपका डाटा है उसको 100% बैकअप भी कर लेता है। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या करना है, पहले आपको इसमें लॉगिन हो, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या आप जो है ईमेल आईडी वो डाल के आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। चलिए हम यहाँ से जो अपना ईमेल आईडी डाल के इसमें लॉगिन हो लेते हैं। तो यहाँ पर साइन अप विथ गूगल वाले पे क्लिक कीजिएगा। साइन अप एंड गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी होगा वो सारे के सारे आपके सामने में आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपका ईमेल आईडी अपना चूज कर लेना है कि आपका कौन सा ईमेल आईडी है। चलिए हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे जो है चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। शॉप टैक्स एंड ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है वेडिंग का, तो यहाँ से जो है आप जो है इसमें लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हाउस होल्ड, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, टीचर, स्कूल वाले के लिए, स्टूडेंट के लिए, अपार्टमेंट वाले के, इंश्योरेंस एजेंटी, एडवोकेट के लिए। तो यहाँ पे आप जिसका भी जो है बनाना चाहते हैं बैकअप इसमें डाटा बैकअप, उसको यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू फाइल का ऑप्शन,
हैं तो न्यू फाइल पे क्लिक करके अपना यहाँ पे न्यू फाइल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे डालिएगा जो भी फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राजा इस तरीके से, और क्रिएट फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो फाइल बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि आपको जो है कॉलम ए कॉलम बी और इस तरीके से कॉलम सी करके आपको यहाँ पर फाइल बन जाएगा। और यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके और भी इसमें जो है कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे सी के बाद डी हो गया, इसके बाद प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है ई हो गया। इस तरीके से अपना जो है प्लस करते रहिएगा और इसमें जो है कॉलम ऐड करते रहिएगा। और यहाँ पे आप जो भी टाइपिंग कर लिस्ट में कुछ भी नाम डालना चाहते हैं इस तरीके से जो है कॉलम ए में कॉलम बी में इस तरीके से नाम डाल के आप जो है कॉलम सी में कॉलम डी में इस तरीके से आप नाम डाल दीजिएगा जो भी आप डालना चाहते हैं। और यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे जो है सब में डाल दिए हैं, इस तरीके से आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डाला हूँ इतने में तो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सबको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और इस तरीके से आपका डेटा जिसमें आपको सेव होता रहेगा। चलिए हम यहाँ से बैक आते हैं। इस तरीके से अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो यहाँ न्यू फोल्डर वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आर 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 इस तरीके से, यहाँ क्रिएट न्यू फोल्डर वाले पे क्लिक करके यहाँ पे अपना न्यू फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका फोल्डर आ चुका है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है फोल्डर से डिलीट करते हैं या फोल्डर को जो है यहाँ से मूव कर सकते हैं, या आप दूसरा फोल्डर का नाम भी यहाँ पे देख रहे हैं रीनेम फोल्डर, तो दूसरा नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ से डिलीट फोल्डर पर क्लिक करके मैं फोल्डर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से अपना फोल्डर डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल, अगर आप जो है कंप्यूटर में या आप दूसरा मोबाइल में जो है अगर जो आप एक्सेल में कोई डेटा सेव करके रखे हुए हैं तो उसको जो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए चूज फाइल फ्रॉम मोबाइल, आप कौन सा मोबाइल में बना रखे हैं तो वो मोबाइल को यहाँ पे आप जो चूज करके आप जो इसमें इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं माई सेव टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको जो है ढेर सारा जो है आपको ऑप्शन मिलता रहता है इस तरीके से। अगर आपके घर में कोई शादी है तो यहाँ वेडिंग वाले पे क्लिक करेंगे, वेडिंग वाले पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए कि आपको जो है सारा यहाँ पर ढेर सारा आपको जो है गेस्ट का लिस्ट बनाना है, या आपको यहाँ टॉयलेट लिस्ट रजिस्टर करना है, एड्रेस रजिस्टर करना है, फूड का मेनू बनाना है, कैश रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ देखिए पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव रजिस्टर करना है, तो क्या चीज़ का आपको यहाँ पर जो है डेटा सेव करना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे आपको गेस्ट का लिस्ट बनाना है तो यहाँ गेस्ट लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि इतना सारा जो है आपको यहाँ इस तरीके से नाम आ जाए, यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालना है, जिस कौन सा गेस्ट का जो है नाम डालना चाहते हैं यहाँ पर नाम डालना है। यहाँ पर चलिए मैं कुछ भी नाम डाल लेता हूँ, इस तरीके से नाम डालना है। यहाँ पर जैसे उस पर्सन का आपको भी मोबाइल नंबर जो है यहाँ परमिशन मांग रहा है अलाउ कर दीजिए। और यहाँ पर अलाउ करने के बाद जो है देखिए आपको किसका लिस्ट में से आपको इसमें डालना है वो आपको इस तरीके से आप जो लिस्ट में चूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर, इसके बाद नंबर कितना पर्सन है उस आप जो इसमें से आपको चूज कर रहे हैं कितना पर्सन है। ठीक है, इसके बाद जो है इसको जो इन्वाइट सेंड कीजिए तो इस तरीके से सेंड कर दीजिएगा तो उसके पास चल जाएगा, और जिसको सेंड नहीं किया रहेगा वो इस तरीके से रेड मार्क रहेगा। इसमें किसी भी पर्सन को ऐड करना है तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इसमें जो कॉलम बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से देखिए कॉलम बढ़ता जा रहा है। सो इस तरीके से किसी भी पर्सन को जो है आप इस तरह डन कर दीजिए, ये डन होकर सेव हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर देखिए गेस्ट लिस्ट में आपका आ चुका है, और एक मैं पहले आपको करके दिखाया था वो आपको यहाँ पर आ चुका है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको प्रोफाइल में यहाँ पर शो होता रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर न्यू फाइल में क्लिक करके यहाँ पर देखिए टैक्सी ट्रांसपोर्ट पर, इसके बाद यहाँ शॉप का अगर आपके पास है, या आप जो है स्टूडेंट है तो यहाँ पर स्टूडेंट वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर टॉपिक का नाम डाल सकते हैं, होमवर्क डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपको यहाँ पे सेव करना है डेटा आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे आपको होम कोई वर्क है इस पर क्लिक कीजिए होमवर्क पर, और यहाँ पर जो है यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट डालिए, डेट डालिए, नोट जो कि आप रखना चाहते हैं वो डालिए, और इसमें आप जो है डाल के सेव कर दीजिए। और इसको अगर आपको बढ़ाना है तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इसको आप इस तरीके से बढ़ाते रहिए। ठीक है, मैं ये चलिए मैं यहाँ पे कुछ डाल के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है डेट डाल लेना है, कोई भी इस तरीके से आपको डेट चूज कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से डेट चूज कर लेना, आपका डेट आ जाएगा। नोटबुक में क्या रखना है इस तरीके से आपको टाइपिंग कर देना है, इस तरीके से कॉलम को आपको जो भी लिखना है कॉलम में आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद जो क्या करना है आपको इसको सेव आपका यहाँ पर डेटा हो जाएगा। तो इस तरीके से गैस जो है आप कुछ भी इसमें टाइपिंग करके आप जो है इसको सेव करके इसको आप रख सकते हैं। तो इसमें जो जो कि यहाँ पर देखिए जो डन वाले पे क्लिक कीजिएगा, ये यहाँ पे आपका सेव हो चुका है। यहाँ पर देखिए आ गया है होमवर्क, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आप जो भी डेटा सेव किए रहिएगा वो आपको यहाँ पे आ जाता है। सो गाइस इसमें आपको यहाँ टेम्पलेट्स वाला है, टेम्पलेट्स इसमें मिल जाता है। वीडियो अगर आपको देखना है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है आप लियो एप्लीकेशन में वीडियो को यूज कर सकते हैं वो आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाता है। आपका प्रोफाइल यहाँ पर है, आप अपना प्रोफाइल को यहाँ पर सेटिंग कर
सकते हैं। तो यहाँ पे पिक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे पिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, परमिशन अलाउ कर दीजिएगा, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे जो है आप क्लिक करके भी फ़ोटो ले सकते हैं या फ्रॉम गैलरी से भी आप इसमें अपना फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल डिटेल पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल इसमें आप सेट कर सकते हैं, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको जो भी इसमें है, इसमें आपको अपना जो रिकॉर्ड है आप इसमें सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है ट्रांस का, कॉन्टैक्ट का, इसके बाद यहाँ से आप जो है लॉग आउट भी हो सकते हैं। सो गाइस, ये जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन है, जिसको जो है आपको एक बार यूज करना ही चाहिए। ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आपको लगेगा अगर आप इसको एक बार यूज कर लेते हैं। तो ये जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें आप देख रहे हैं कि वेयर हाउस का भी है, होटल रेस्टोरेंट का है, सेल्स बिजनेसमैन का है, इसमें जितने इसमें आते हैं कि यहाँ मेडिसिन क्लिनिक वाले भी इसमें जो है अपना रिकॉर्ड जो है डेटा इसमें आप सेव कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए पेशेंट फ्री रजिस्टर पे, पेशेंट डिटेल यहाँ पर रजिस्टर, इसमें आपको ढेर सारा मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जो भी आप डेटा सेव करना चाहते हैं बस उस पर जैसे यहाँ पर देखिए पेशेंट डिटेल रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कस्टमर का नाम, यहाँ पर क्या करना है आपको यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करके इस तरीके से आपको नमूना दे रखा था, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं कॉलम को, इसमें आपको डेटा क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। तो वो डेटा आप इस तरीके से सेव कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए आ चुका है। तो जो भी आप डेटा सेव किए रहेगा वो आपके इस तरीके से आता रहेगा। और यहाँ पर देखिए आपको डेट वाइज भी यहाँ पर शो कर देगा, नाम, डेट टाइप कि कब आपको जो है ये सब सेव हुआ है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और यहाँ पे आप वो डेट भी शो कर देगा, जैसे देखिए यहाँ 25 अक्टूबर जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरे के पूरे लिस्ट आपको यहाँ पे शो होता रहेगा जो भी आप यहाँ पे बनाते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ डिलीट फाइल पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ से जो है आपका ये जो रिमूव होकर मतलब डिलीट होकर यहाँ पे आपका सारा का सारा यहाँ पे हट जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से लियो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट है या आपका होटल या आप एडवोकेट है या आप बहुत सारे इसमें जो दे रखा है यहाँ पे वो सारे के सारे है। तो ये देखिए शॉप वाले हैं, टैक्सी ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वेडिंग आपका घर में है, हाउस होल्डर वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, तो मतलब आप क्या सब वाले हैं। अगर आप साइट पर काम करवा रहे हैं और किसको आप कैश दिए हुए तो यहाँ कैश रजिस्टर पर क्लिक करके उसको जो आप टाइपिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल पर ही, आपको लैपटॉप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेबर का टाइम ट्रैकर है रजिस्टर पर, आप जो है इसमें टाइम टेबल आप इसको लेबर का रख सकते हैं। देखिए जेसीबी रजिस्टर, अगर आपको बात कंपनी में कोई जेसीबी चल रहा है तो यहाँ पे आप जेसीबी का टाइम टेबल इसमें आप नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनकम रजिस्टर, आपके पास किन किन कितना इनकम हुआ और कितना आप लेबर को दिए, वो सारा आप यहाँ पे जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। सो गाइस, ये जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार ये एप्लीकेशन है, ये जो है सभी इंसान के पास होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार ये एप्लीकेशन है। सो गाइस, ये जो है वाकई यूजफुल ऐप है, जो आपके मोबाइल में ये ऐप होना ही चाहिए। इसमें आप किसी भी तरीके का डेटा आप जो है आसानी के साथ इसमें सेव कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।